हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WsCubeTech और आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर दो ग्राफ्स आप देख रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे जो डेटा पॉइंट्स है, जो हमारे एक डेटा सेट में जो डेटा पॉइंट्स है, वो आपकी क्या है, एक लीनियर फैशन में है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं सिंपल लीनियर मॉडल। मगर आपके जो सेकेंड जो आपका ग्राफ है, उसमें आप कुछ इस तरीके के डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं कि जो आपके नॉन लीनियर फैशन में है। अब देखिए, अगर हम ये जो लीनियरली फैशन जो डेटा है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम लीनियर रिग्रेशन अगर एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो हमें फार बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर एरर रेट भी कम होगा और ओवरऑल आपके जो मॉडल का जो प्रेडिक्शंस होगा वो भी आपका हाई होगा। बट अगर इस केस में, इस ग्राफ में जो आपके ये डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन अगर यूज करती हूँ तो यहाँ पर मेरे एरर रेट बहुत ज्यादा आएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ अज्यूम करिए, यहाँ पर एक मैं लाइन बना दूँ, तो हो सकता है कि यहाँ पर बस एक ही पॉइंट हमारे बेस्ट फिट लाइन के ऊपर आ रहे हैं और उसके बाद में जो भी ये बाकी के डेटा पॉइंट्स है वो उससे बहुत ही काफी दूर है, तो यहाँ पर एरर रेट बहुत होगा हमारा और उस वजह से हमारी मॉडल का प्रेडिक्शंस भी हमारा बहुत ही कम आएगा। तो वही है कि हम इस तरीके से जब हमारा जो डेटा पॉइंट्स जो रहते हैं हमारे डेटा सेट के अंदर, अगर वो अगर नॉन लीनियर फैशन में है तो हम इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। अब हम एक ना झलक ये कर लेते हैं कि इक्वेशंस के ऊपर एक झलक दौड़ा लेते हैं। तो देखिए, ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल, ये हम पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इस केस में y इज इक्वल टू ये जितने भी आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये जो y है ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो x1, x2, x3 है ये आपकी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे आपके। ये m1, m2, m3 आपके क्या है, कोएफिशिएंट है, या आप इसको स्लोप भी कह सकते हैं। और ये जो c है वो आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी हमारे पीछे वाले ट्यूटोरियल्स में हम लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब अगर आप इन दो इक्वेशंस को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है, जो x रेज टू द पावर है, वो आपका क्या है, यहाँ पर 1 है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। मतलब जो आपका जो लीनियर मॉड्यूल है वो किस तरीके से तैयार होता है, वो 1 डिग्री पॉलिनोमियल से होता है। मतलब हमने वो पॉलिनोमियल ही पढ़ा था मगर वो हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। और सिमिलरली मैंने यहाँ पर डिग्रीज के बारे में भी यहाँ लिख दिया है कि अगर हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, x रेस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x रेस टू 0 क्या होता है, आपका 1 होता है। तो y इज इक्वल टू आपकी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, जो भी आपकी होगी 1, 2, 5, जो भी सो एंड सो। तो x इज इक्वल टू आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू आने वाली है। फिर 1 डिग्री पॉलिनोमियल ये तो हमने देख ही लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम जनरली इस तरीके से x रेस टू 1 लिखते नहीं है, बट यहाँ x रेस टू 1 तो प्रेजेंट रहता ही है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल। वैसे यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये आपका 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। यहाँ पर क्या है, x की पावर आपकी क्या है, यहाँ पर 2 हो गई है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि आपका जो जनरलाइज पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होगा वो आपका इस तरीके का होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो a0, a1, a2, a3, ये सब आपके क्या है, ये आपके कोएफिशिएंट्स है, राइट। तो ये आपका क्या, ऐसे n तक चलेगा। और सिमिलरली ये जो आपका जो x है यहाँ पर, तो जो x है आपका यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम क्या कर रहे हैं इस x का, हम इसकी पावर को राइज कर रहे हैं। यहाँ पर x की पावर 1 है, फिर यहाँ 2 हो गई, फिर यहाँ 3 हो गई, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे अप टू n हमने लगा दिया है, ठीक है। तो ये आपका होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम आज जो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो हम करेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारी लाइब्रेरीज को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने वाली हूँ पांडास, तो मैं करूंगी इंपोर्ट पांडास एस पी डी, या लाइस नेम दे दिया। फिर मैं इंपोर्ट करने वाली हूँ मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए, डॉट पाइप्लॉट एस पी एल बी, और मैं सीबॉन भी इंपोर्ट करूंगी एस एस एल एस।
नेक्स्ट मुझे यहाँ पर करना है वो क्या करना है, मुझे यहाँ पर डेटा सेट यहाँ पर लोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पांडास की मदद से हम करेंगे रीड सीएसवी, क्योंकि वो मेरी सीएसवी फाइल है और मैं यहाँ पर इस तरीके से डेटा सेट को लोड करने वाली हूँ। तो यहाँ ये मेरा पोजीशन सैलरीज करके मेरी सीएसवी फाइल है, तो इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से मैं इसका लोकेशन कॉपी करने वाली हूँ और यहाँ जाके मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। और सिमिलरली इसकी मुझे फाइल का नेम भी मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये जो मैं डेटा सेट यहाँ पर यूज कर रही हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको लोड कर लिया है और अगर मुझे डेटा सेट को व्यू करना है तो मैं इस तरीके से आपको बता सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का मेरा डेटा सेट है यहाँ पर, तो कौन कौन से कॉलम्स है, पोजीशन है, लेवल है और उसकी सैलरी है, ठीक है, इस तरीके से है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को मुझे सेपरेट आउट करना है यहाँ पर। तो देखिए मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरा क्या है, लेवल है, ठीक है, और जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है मेरा सैलरी, क्योंकि सैलरी मेरा डिपेंडेंट है लेवल के ऊपर। तो मैं यहाँ चलूंगी और मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगी x इज इक्वल टू और मैं लिखूंगी यहाँ पर डेटा सेट डॉट आईलॉग और इस तरीके से मैं यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे लेने हैं सारे रोज लेने हैं और मुझे यहाँ पर सिर्फ ना लेवल लेना है। तो लेवल कैसे लूंगी मैं, 0, 1 और ये 2 है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगी 1 से स्टार्ट होके 2 तक, बिकॉज यहाँ पर क्या है 1 इंक्लूडेड रहता है 2 एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। और इसको अगर मैं रन करती हूँ और अगर मैं आपको x की वैल्यू बताऊँ तो देखिए ये इस तरीके का मुझे सीरीज मिल गया है, बट तो मुझे सीरीज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक एरे फॉर्म में चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ लिखूंगी वैल्यूज, ओके। तो मेरे यहाँ पर क्या हुआ, x के अंदर मेरा इस तरीके से जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर कर लिया। अब मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी सेम ऐसे ही करना है, तो मैं यहाँ पर करूंगी डेटा सेट डॉट आईलॉग और इस तरीके से यहाँ क्या करूंगी ऑल द रोज, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ये लास्ट वाला चाहिए, तो 0, 1, 2, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 लिखने वाली हूँ। और सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ लिखूंगी मैं इस तरीके से वैल्यू, और अगर मैं आपको ना इस तरीके से y बताऊं तो देखिए मेरे यहाँ पर ये वैल्यूज आ चुकी है। अब अगर सपोज मुझे इसको विजुअलाइज करना है तो मैं वो भी यहाँ पर कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर करती हूँ PLT की मदद से स्कैटर प्लॉट मैं करती हूँ यहाँ पर, तो स्कैटर और यहाँ पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, x और y मेरे वेरिएबल्स यहाँ डालने पड़ेंगे। तो देखिए ये मेरा स्कैटर प्लॉट आ गया और आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं ये मेरा क्या है, नॉन लीनियर डेटा है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बेस्ट फिट लाइन बनाने की कोशिश करती हूँ तो मैं आपको वो ही बताती हूँ, जैसे मैंने sns.lm प्लॉट मैं करती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करती हूँ x इज इक्वल टू मुझे डालना पड़ेगा, y इज इक्वल टू डालना पड़ेगा और डेटा इज इक्वल टू मैं डालूंगी यहाँ पर डेटा सेट, और x है मेरा लेवल y है मेरा सैलरी, ये जस्ट मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये बेस्ट फिट लाइन हमारी हो गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बेस्ट फिट लाइन है यहाँ से बस ये एक पॉइंट ही इसके यहाँ से इसको जा रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो इसके बियॉन्ड बाहर से जा रहे हैं, और इससे क्या होगा हमारा एरर रेट हमें काफी मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, विजुअलाइज कर लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें लीनियर मॉडल को यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, ठीक है। अब लीनियर मॉडल क्यों, क्योंकि देखिए लीनियर मॉडल ही तो है ना सब कुछ, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो हम जो स्टार्टिंग में जो हमने किया है कि लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल, लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स, तो ये हमारा क्या था, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करने वाले हैं, लीनियर रिग्रेशन को ही हम इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम क्या इसमें एक एडिशनल फीचर हम ऐड करेंगे, और वो फीचर क्या होने वाला है, डिग्री का फीचर होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर sklearn से from sklearn import और यहाँ करूंगी मैं linear model, ठीक है। उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये linear model के अंदर हमारा linear regression मुझे यहाँ पर अपलोड करना है, लोड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ लिखूंगी मैं linear model dot l capital और यहाँ करूंगी linear regression और इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेती हूँ जैसे reg, ठीक है, ओके।
अब मैं क्या करूंगी, मेरे ये जो डेटा पॉइंट है ये यूज करके मैं अपने डेटा मॉडल को यहाँ पर ट्रेन करूंगी, मतलब मुझे फिट करना है। तो मैं यहाँ पर करूंगी reg.fit, और फिट मुझे किसके मदद से करना है, x और y के मदद से। ठीक है, अब देखिए लीनियर रिग्रेशन के मॉडल मेरा रेडी है। ठीक है, ये डेटा पॉइंट से मैंने उसे ट्रेन कर दिया है। तो ये यहाँ पर आपका क्या है, प्रिडिक्शन ये यहाँ पर आपका कर सकता है। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर प्रिडिक्शन करना है तो ठीक है, हम यहाँ पर करके देखते हैं लीनियर रिग्रेशन की मदद से। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिडिक्ट, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर जो पॉइंट्स अवेलेबल है, ठीक है, लेवल है हमारे, तो चलो हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं 6.5, यहाँ बीच की वैल्यू हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो देखिए 6 की जो 6 लेवल पे उसकी सैलरी क्या है, 1 लाख अराउंड अबाउट है, और जो 7 पे जिसका लेवल है वो 2 लाख है। ठीक है, तो यहाँ करके देखते हैं 6.5 हम वैल्यू यहाँ पर देके देखते हैं। तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 3 लाख समथिंग आ रही है। ठीक है, जो कि यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि देखिए 1 लाख इसकी है, 2 लाख इसकी है। ठीक है, ये तो 3 लाख यहाँ पर 8 पोजिशन पे जा रहा है, तो ये हमारा इतना बेटर रिजल्ट नहीं देगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम वो जो अब जो बता मैं आपको बता रही थी कि जो हम वो एक्स्ट्रा फीचर जो हम ऐड करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसे इंप्लीमेंट करते हैं हमारी पॉलिनोमियल रिग्रेशन को, और उससे फिर हम हमारा प्रिडिक्शन हम चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाली हूँ, मैं इम्पोर्ट करूंगी फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट, और इसमें है आपका पी कैपिटल पॉलिनोमियल फीचर्स। ओके, इसको मैंने इम्पोर्ट किया है, और यहाँ पे मैं करूंगी ये पॉलिनोमियल फीचर्स, और इसके अंदर मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ डिग्री इज इक्वल टू 2, ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको मैं स्टोर कर देती हूँ पॉली में। तो ये आपका जो डिग्री है ये क्या करता है, ये आपका ना स्पेसिफाई करता है कि पॉलिनोमियल जो फीचर है आपका उसकी डिग्री क्या है, मतलब एक्स की डिग्री यहाँ पर वो स्पेसिफाई करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि यहाँ पर जब हमने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर 2 ली है, तो जैसे कि आपका जो x फीचर है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x1, और फिर उसके बाद में वो क्या करेगा x1 raised to the power 2, इस तरीके से। तो इसको मैं रन करती हूँ यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे जो इंडिपेंडेंट जो हमारा वेरिएबल है जो x है वो हमें फिट करना है इसके साथ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगी, इसकी मदद से मैं लिखूंगी यहाँ पर पॉली डॉट, और यहां लिखूंगी मैं फिट ट्रांसफॉर्म, और किसे करना है मुझे, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, और इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ, ये मेरा होगा एक्स पॉली। तो मेरे एक्स पॉली में अब सब क्या आएगा, मेरे एक्स पॉली में सारी जो पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन है जो मेरा एक्स फीचर है, ठीक है, विद डिग्री 2, ये सारी वैल्यूज मेरी एक्स पॉली में यहाँ पर आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन को मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी लीनियर मॉडल डॉट एल कैपिटल लीनियर रिग्रेशन, और इसको मैं स्टोर कर देती हूँ reg2 में। ठीक है, ये मैंने स्टोर कर दिया है, और फिर अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपने जो मॉडल को मैं ट्रेन करूंगी, अब मैं किससे ट्रेन करने वाली हूँ, अब मैं ये एक्स पॉली से करूंगी। ठीक है, एक्स पॉली से मुझे करना है, जो कि मुझे क्या मिला है, जिसके अंदर मेरी सारी वैल्यूज है, जो पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन है मेरी एक्स की विद द डिग्री 2, तो उससे मुझे यहाँ पर इसको ट्रेन करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी reg2.fit, और फिट मैं क्या करूंगी यहाँ पर ये एक्स पॉली लिखूंगी और वाई। ठीक है, ये देखिए मेरा रिग्रेशन मॉडल, अब मेरा जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल है वो मेरा ट्रेन हो गया है, और अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, अब मैं प्रिडिक्शंस करूंगी यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, reg2.predict, और predict में मैं क्या करूंगी poly.fit, fit transform, यहाँ पर आ गया fit transform, और मैं वही वैल्यूज यहाँ पास करूंगी 6.5 लेवल। ठीक है, और देखते हैं ये क्या प्रिडिक्शंस दे दिया। तो देखिए इसने हमें क्या प्रिडिक्शन दिया है, 1,89,000, और ये हमारा somewhat right answer लाजमी है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लाख है, ये 2 लाख है, और जो इसने हमें रिजल्ट दिया है वो 1,89,000 हमें इस तरीके से रिजल्ट दिया है, और इसने तो हमें 3 लाख दिया था। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है वो हमें
फार बेटर रिजल्ट्स दे रहा है एज कम्पेयर टू आर लीनियर रिग्रेशन। और मैंने आपको उसका रीजन बता दिया, क्योंकि उसका रीजन यही है कि लीनियर रिग्रेशन तो आपका तब होगा जब आपके डेटा पॉइंट्स जो होंगे वो आपके लीनियर फैशन में होंगे, ठीक है। बट इस केस के नॉन लीनियर डेटा सेट में आपका क्या प्रॉब्लम होगा कि आपकी जो बेस्ट फिट लाइन है उससे बहुत मीलों दूर आपके ये ना डेटा पॉइंट्स है, तो उस वजह से क्या होगा, आपका एरर रेट ज्यादा बढ़ेगा। और एरर रेट बढ़ने की वजह से ये आपको देखिए इस तरीके का आउटपुट मिलेगा कि आपका मॉडल सही तरीके से प्रिडिक्शंस नहीं दे पाएगा आपको, आपकी एक्यूरेसी आपकी लो होने वाली है यहाँ पर। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पॉलीनोमियल रिग्रेशन का हम यूज करते हैं। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर ना डिग्री भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बार अगर डिग्री 3 करी और मैं इसको अगर रन कर रही हूँ, तो देखिए इस यहाँ ये हमारी वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जितनी आप डिग्रीज ये करोगे ज्यादा लोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, हो सकता है आपका जो मॉड्यूल है वो ओवरफिट हो जाए। तो हम ये ओवरफिट वगैरह के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में आगे वाले सेशन में हम इन डेप्थ हम पढ़ने वाले हैं। बट एज फॉर नाउ मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि यहाँ से आप डिग्री भी चेंज कर सकते हैं, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू 2 है, तो इसके अलावा भी अगर आपको डिग्री 3 करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मगर ज्यादा डिग्री करेंगे तो आपका क्या होगा, मॉड्यूल वो ओवरफिट हो जाएगा, ठीक है, जो हम नहीं चाहते, और वो हम आगे वाले सेशन में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये होता है हमारा पॉलीनोमियल रिग्रेशन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।